एक्सपेरिमेंट नंबर टू टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लूवेनोमीटर बाय यूजिंग द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे उस अपरेटस की जो हमें यहाँ पर चाहिए। हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ग्लूवेनोमीटर, एक बैटरी, टू कीज, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स एंड लो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए। इसके साथ साथ हमें कनेक्टिंग वायर्स भी चाहिए होंगी। अब हम सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे। ये आपके सामने सर्किट डायग्राम है। अब हम इसका मुवाजना करेंगे अपने अपरेटस के साथ, अपने अपरेटस को इस डायग्राम के मुताबिक रखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम सर्किट डायग्राम के मुताबिक मुवाजना करते हैं। ये आपके सामने इस वक्त हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और ग्लूवेनोमीटर, ये जिसे टच किया जा रहा है ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये एक बैटरी सेल, साथ में एक की जिसे हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगाना है। दूसरी तरफ हमारे पास एक और की हम यूज़ करेंगे जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ इस्तेमाल की जाएगी। ये वो सारा अपरेटस है जो हमने इस डायग्राम के मुताबिक इस्तेमाल करना है। आप देख रहे हैं हमने इसको एक तरतीब के साथ रख लिया। दरमियान में हम ग्लूवेनोमीटर को रखेंगे, साथ में बैटरी, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, लो रेजिस्टेंस बॉक्स। अब हम इनके कनेक्शंस करते हैं। तो हमने करना ये है कि सबसे पहले आप एक बैटरी को ग्लूवेनोमीटर के साथ इस तरह जोड़ेंगे कि ग्लूवेनोमीटर के लिए पहले हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वायर को डायरेक्ट ग्लूवेनोमीटर से लगा देंगे, दूसरी तरफ वाली वायर को हम लेके आएंगे एक बैटरी के ऊपर, बैटरी से आगे हम एक की स्विच लगाएंगे और की स्विच से गुजारने के बाद हम इस वायर को ग्लूवेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल, रेड टर्मिनल के ऊपर लगा देंगे। ये हमारा एक साइड का सर्किट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी तरफ एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे, इसकी एक साइड की वायर को हमने कनेक्ट करना है ग्लूवेनोमीटर के साथ और दूसरी साइड को रेजिस्टेंस बॉक्स की इस साइड को हम सेकंड की के साथ लगा के दोबारा से इसी रेड टर्मिनल के साथ लगा देंगे जहां पर पहले वाली वायर जुड़ी हुई थी। अब हम इसके मुताबिक इसको परफॉर्म करके देखते हैं। ये K1 है। जब हम इस K1 को ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ग्लूवेनोमीटर की नीडल अपनी मैक्सिमम पोजीशन से भी आगे जाने की कोशिश कर रही है, यानी यहाँ से मैक्सिमम करंट इस वक्त ड्रा हो रहा है। हम इस वक्त हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ कीज़ को निकालेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ग्लूवेनोमीटर की नीडल कुछ दर्जे पीछे आ गई है। हमारा टारगेट क्या है? हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर से कुछ कीज़ को इस तरह से निकालना है कि जो नीडल है वो किसी एक इवन नंबर के ऊपर आ जाए। जिस तरह से हमने की को दोबारा उसमें इंसर्ट किया तो मैक्सिमम करंट के फ्लो की वजह से ये नीडल फिर मैक्सिमम पोजीशन पर चली गई है। अब हम कुछ कीज़ निकालते हैं तो हम इसको लेके आएंगे किसी एक इवन डिजिट के ऊपर। देखिए इस वक्त ये 25 पे नज़र आ रही है। हम इसको रीएडजस्ट करते हैं, कुछ और कीज़ यहाँ से निकालते हैं। इस वक्त हमने यहाँ से 200 और 500 की दो कीज़ निकाली हुई हैं। तो इस वक्त हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये 2500 रेजिस्टेंस दे रहा है। जब हम इस सेकंड की को जोड़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो नीडल है वो दोबारा ज़ीरो पर आ जाएगी। अगर हम सेकंड की को ओपन करते हैं तो नीडल हमारी 24 पे है, जबकि अगर हम इस K2 को ऑन कर देते हैं तो नीडल ज़ीरो पर चली जाएगी। यहाँ से अब हम लो रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ आते हैं, जिसमें से हमने कीज़ को यूँ निकालना है कि जो ग्लूवेनोमीटर की नीडल है उसे हम हाफ डिफ्लेक्शन यानी 12 के ऊपर ले आएँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 11 पर गई है ये नीडल, इसको हमने 12 पर लेकर आना है। इस वक्त ये हमें 11 पे नज़र आ रही है। 12 पर लाने के लिए हमें कुछ और रेजिस्टेंसेस को भी निकालना होगा। हमने रेजिस्टेंस को मज़ीद निकाला तो ये नीडल इस वक्त देखिए
कि ये 100 और 50 की नीडल कीज़ निकाली हुई हैं, जिसकी वजह से हमें ये नीडल 14 पे नज़र आ रही थी। जिस वक्त हमने 50 वाली की को वापस इंसर्ट किया है तो ये वापस 11 पे आ गई है। हमने उसका हल ये निकाला कि हम उससे ज़रा कम की निकालेंगे, यानी हमने यहाँ से 10 को निकाला है। अब 10 को निकालने से ये की नीडल जो है ये 12 पर आ गई है, तो ये हाफ डिफ्लेक्शन यानी थीटा बाय 2 वैल्यू हमें मिल गई। इस वक्त अगर हम गौर करें तो हमारा जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से हमने 2000 और 500 की वैल्यूज़ निकाल रखी हैं, जबकि दूसरी तरफ जो लोअर रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से हमने 100 और 10 की वैल्यू को निकाला हुआ है, यानी हमारी जो लोअर रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है ये S कहलाएगी और इसकी वैल्यू इस वक्त 110 है। हमने इन वैल्यूज़ को टेबल में पुट करना है, पुट करने के बाद हम गिवन फार्मूला के मुताबिक इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये देखिए, ये आपके सामने टेबल है। इस टेबल के अंदर हम जो सबसे पहली वैल्यू दर्ज करेंगे वो है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से ली गई रेजिस्टेंस यानी कि R। सेकेंडली हम डिफ्लेक्शन ऑफ गलवेनोमीटर को चेक करेंगे, तो उसे हम पहले ऑब्जर्व्ड वैल्यू फिर कुरेक्टेड वैल्यू मीन दो मरतबा हम उसे चेक कर लेंगे। इसके बाद हम अगले बॉक्स में लिखेंगे कि उसकी हाफ वैल्यू हमें कितनी रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे वाले केस में 24 और फिर उसके बाद 12 चाहिए थी। आफ्टर दैट हम शंट रेजिस्टेंस बॉक्स या लोअर रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो निकाली गई रेजिस्टेंसेज हैं उन्हें कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने 110 को निकाला था। तो वो हम इस सेकंड लास्ट बॉक्स में लिखेंगे। जो लास्ट बॉक्स है हमारा, उसके अंदर हमें एक फार्मूला नज़र आ रहा है। जो फार्मूला है जी इज़ इक्वल टू आर एस ओवर आर माइनस एस। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम गलवेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हिंट के तौर पर हमने प्रोसीजर को यहाँ पे शो कर दिया है, अगर कोई स्टूडेंट इसे पढ़ना चाहे तो देख सकता है, लेकिन हमें फाइनल एग्ज़ाम में जो आपने आंसर शीट फिल करनी होती है उसमें प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।